माननीय सदस्य श्री उमेश भाई बाबू भाई पटेल जी, माइक। महोदया जी आपका धन्यवाद। महोदया जी मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। महोदया जी हमारा केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव समुद्र किनारे बसा हुआ प्रदेश है, जहाँ मच्छीमारी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है और एकमात्र रोजगार का साधन भी माना जा सकता है। हमारे ज्यादातर मच्छीमार कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनको समुद्री सीमाओं का ज्ञान नहीं होता, जिसके चलते समुद्र में मच्छी पकड़ते वक्त गलती से पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाते हैं और वो निर्दोष गरीब मच्छीमार पाकिस्तान की जेल में पहुंच जाता है। ऐसे काफी गरीब मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में वर्षों से बंद है। उनमें काफी बुजुर्ग और बीमार मछुआरे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान की जेल में बंद अनेक मछुआरे की हालत बहुत खराब है, जो कभी भी मर सकते हैं। पाकिस्तान की जेलों में बंद मछुआरों को अनेक यातनाएं और पीड़ाएं दी जा रही है, जो वहां के मछुआरे लिखित में बंद पाकिस्तान की जेल में बंद मछुआरे लिखित में अपने परिवार जनों को लिखकर दे रहे हैं। महोदया जी अनेक मछुआरों को तो पाकिस्तान की कोर्ट ने बरी भी कर दिया है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक वहां की सरकार ने उनको रिहा नहीं किया है। महोदया जी मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र दमन एवं दीव सहित पूरे देश के मछुआरे जो भी पाकिस्तान की जेलों में बंद है उनको अति शीघ्र रिहा करवा कर भारत लाने की कृपा करें और हमारी समुद्र सीमाओं की मजबूती की जाए, ताकि हमारे निर्दोष मछुआरे पड़ोसी सीमा में ना पहुंचे। साथ ही आपसे निवेदन है कि हमारे देश में प्रतिबंधित लाइन फिशिंग, लाइट फिशिंग और फिक्स बोया फिशिंग, काबा फिशिंग बंद करवाई जाए। मैडम काफी लोगों ने समुद्र पर कब्जा कर रखा है, जिससे हमारे मछुआरों को फिशिंग के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है और सीमा लांग जाते हैं और वो पाकिस्तान में बंद हो जाते हैं। आपसे निवेदन है कि हमारे मछुआरे की रक्षा की जाए।